हे फ्रेंड्स, दिस इज ई गुरुकुल और मैं हूं सुनील जांगीड और आज लेकर आए हैं पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी से। चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये है सेकंड पार्ट इस लेक्चर का, इस लेसन का। पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख लीजिए। हमने इसमें देखिए कुछ टॉपिक पहले पढ़े थे जो कि थे डिफोरेस्टेशन ये और फ्लोरा फोना एंडेमिक स्पीसीज, ये पांच टॉपिक। रेस्ट पांच टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफोरेस्टेशन। वन उन्मूलन क्या होता है? देखिए वनों की कटाई होती है किसी भी उद्देश्य से तो उसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। इसके कारण क्या हो सकते थे? कुछ ह्यूमन कारण भी हो सकते थे, कुछ नेचुरल कारण भी, ठीक है। उसके बाद उसके परिणाम क्या हो सकते थे? टेम्परेचर बढ़ रहा था और भू स्तर नीचे गिर रहा था। तो ये सभी कारण आपने नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्लोरा एंड फोना क्या होते थे? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों जीव जंतु को फ्लोरा या फोना कहते थे। फ्लोरा वनस्पति जात बोलते थे, फोना प्राणी जात बोलते थे। तो ये सब ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद विशेष क्षेत्रीय प्रजाति पढ़े थे हमने, एंडेमिक स्पीसीज जिसको बोलते हैं। उसके बाद पढ़ा था वन्य प्राणी और संरक्षण, बायोस्फीयर क्या होता है, जैव मंडल जिसे बोलते हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षण क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण क्या है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, इनके तीनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है और इसमें समानताएं सिमिलैरिटीज क्या क्या है। तो देखिए अगर आप किसी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी स्टेट सर्विसेज की, तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो कि आपको मेनली कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा किस लिए यूज होता है और क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। तो मैंने ये बहुत मेहनत करके ये बनाया लेक्चर, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे बहुत अच्छे से कि इसका कौन सा किस लिए यूज होता है, कौन सा की क्या बाउंड्री रहती है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जैवमंडल आरक्षण की। तो ये देखिए क्या होता है, किसी भी टाइप की लाइफ मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। देखिए तीनों का कारण पहले सब आप याद समझ लीजिए क्या होता है। जैसा पार्ट हमारे लेसन का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पौधों जानवरों का संरक्षण। तो ये तीनों पौधों और जानवरों का संरक्षण उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। प्रोटेक्ट किससे? या तो वो लुप्त होने की कगार पे, या लोग उनका शिकार करते हैं उनको, जैसे हाथी दांत बहुत महंगा बिकता है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स शेर हो गए उनकी खाल बहुत महंगी बिकती है। तो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन तीनों चीज़ों का यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व जैसे मैंने बताया सभी जीवन के रूप में इसको संरक्षित करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मतलब पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, या फिर ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। कुछ ऐसे कास्ट है, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो आदिवासी टाइप के आज भी इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में भी रहते हैं, जो कि लुप्त हो सकते हैं। कुछ विशेष जब प्रजाति वो होती है तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसमें मल्टी पर्पज प्रोटेक्टेड एरिया इसको हम बोल सकते हैं, मतलब बहुद्देश्य संरक्षित क्षेत्र जिसमें हर टाइप की जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद इट में कंटेक्ट कवर WLS एंड NPs, ये क्या मतलब WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड NPs नेशनल पार्क्स। देखिए एक बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती है और नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊं कुछ डायग्राम्स देख के, डायग्राम बना के, तो आप कुछ इस टाइप में इसको याद रख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ये बड़ा वाला एक अंडे टाइप का आकार हो गया, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं, ये येलोइस और नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा होते हैं, बहुत सारी जगह पे एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई नेशनल पार्क या एक नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, ठीक है। तो यही इसका आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि बायोस्फीयर रिजर्व मतलब सबसे बड़ा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके नेशनल पार्क के अमूमन यूजुअली। तो इसमें क्या होता है कि पौधों जीव मतलब जानवर और मानव समुदाय इसका हिस्सा होते हैं, आर द पार्ट ऑफ इट। जबकि इसमें क्या, या तो पौधों को सुरक्षित किया जाता है या फिर पशु, ठीक है, मतलब या तो ये एनिमल स्पेसिस ओरिएंटेड है या एनिमल स्पेसिस प्लांट एंड स्पेसिस ओरिएंटेड है या एनिमल स्पेसिस, ठीक है। यहाँ पे तीनों थे और सॉरी जबकि यहाँ पे क्या होता है किसी विशेष जंगली पशु की प्रजातियों को मतलब पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल की स्पेसिस को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि आप टाइगर एनिमल टाइगर ये नेशनल पार्क दे सकते हैं, तो इनमें सिर्फ एक टाइगर को ही सेव किया जाता है। जबकि यहाँ पे तो आप समझ गए यहाँ पे तीनों होते हैं, सभी होती है, यहाँ पे पेड़ या पौधों में से कोई एक होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लोगों का आना जाना अलाउड होता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ अगर कुछ इस टाइप में बायोस्फीयर रिजर्व में जोन्स बने रहते हैं, कुछ इस टाइप में तीन टाइप के जोन्स बने रहते हैं।
तो जब जो सबसे भारी जोन होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन या मैनिपुलेशन जोन। आप कहीं पे ट्रांजिशन देखो, कहीं पे मैनिपुलेशन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउ होती है, तो वो क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे सेटलमेंट, बस्तियाँ बसा सकता है, घर बना सकता है, क्रॉपिंग कर सकता है, फसलें उगा सकता है, रिक्रिएशन मनोरंजक गतिविधियाँ कर सकता है। उसके बाद फॉरेस्ट्री यानी वानिकी, वानिकी में क्या क्या आता है, कमर्शियल यूज हो सकता है, वहाँ पे पेड़ पौधे का कट करके बेचना, ये सब जो कि नॉर्मली होता है। एग्रीकल्चर उसमें कर सकते हैं, पब्लिक यूज के लिए वो यूज़ हो सकते हैं। जबकि इसके बाद सेकेंड इनर मोस्ट लेयर जो आती है, बफर जोन, जोन बोलते हैं उसको, इसमें देखिए नॉर्मल पीपल के लिए रिस्ट्रिक्शन होता है। इसमें सिर्फ वो लोग जाते हैं या तो रिसर्च करने के लिए या एजुकेशन पर्पजेज के लिए, कुछ जिनको परमिट कर किया जाता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इसको प्रोटेक्ट करके रखी हुई है। इसके बाद सबसे इनर मोस्ट आता है कोर जोन। कोर जोन वो एरिया है जहाँ पे किसी भी ह्यूमन इंटरफेस को अलाउ नहीं किया जाता, मतलब किसी भी मानव गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाता वहाँ पे। यहीं पे प्रिजर्वेशन या तो किसी एनिमल का या किसी जीव जंतु का या किसी उस एरिया का प्रोटेक्ट किया जाता है जो कि जिसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे बाहर में सबसे कम प्रोटेक्शन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद इसमें देखिए लोगों की जाने की अनुमति नहीं होती जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कुछ अपवाद है, कुछ परमिशन होती है, जैसे चराई के लिए, ग्रेजिंग के लिए, या फायरवुड वहाँ पे लकड़ियाँ जैसे कट करके लानी हो, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे अलाउ हटा दिए जाते हैं। जबकि नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है ही नहीं, सिर्फ वही ह्यूमन जा सकते हैं नेशनल पार्क में जो कि वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो। उसके बाद बाउंड्रीज आर नॉट लिमिटेड बाय स्पेयर रिजर्व की, मतलब सीमांकित नहीं है कुछ ऐसी, देखिए ये कोई पर्टिकुलर ऐसे बाड़ नहीं लगाई जाती, तारे नहीं लगाई जाती कि ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो एक सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि हाँ भाई ये एरिया लगभग इधर से स्टार्ट हो जाता है बायोस्फीयर रिजर्व का। जब ये यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही उल्लंघनीय नहीं है, लेकिन नेशनल पार्क का रिस्ट्रिक्शन होता है, सैक्रोसेंट मतलब होता है उल्लंघनीय, मतलब उल्लंघन नहीं कर सकते आप, तो ये कुछ सेम कहानी हो गई। उसके बाद ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, ये दोनों नेशनल इनिशिएटिव, इसका क्या मतलब है, देखिए यूनेस्को एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। तो उन्होंने 1972 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बनाया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक बोला था कि ये मेंबर कंट्रीज बायोस्फीयर रिजर्व्स नाम की कोई चीज़ बनाए जिसमें कि ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क कवर होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों देखिए उसी साल में दोनों बने थे, तो हमने इनसे इंस्पायर होकर बनाया था या इन्होंने हमसे, वो बाद में पढ़ना पड़ेगा हमें, तो ये उसी सन में आए थे। तो ये आप चीज़ें याद रखिए कि ये इसलिए बोला जाता है नेशनल इनिशिएटिव से बनाए गए जबकि ये ग्लोबल इनिशिएटिव से, ठीक है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो कम्स अंडर दी IUCN कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड एरिया। देखिए IUCN क्या है, अभी IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए एक सबसे पुरानी और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ग्लोबल में ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1948 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर जनेवा के नज़दीक ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। मेंबर्स है 1200 के करीब, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या होता है, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव यूनेस्को का रहता है कि लोगों को अवगत कराया जाए कि हम किसी जानवर, किसी पौधों या किसी खास प्रजाति हेरिटेज को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो वो अवेयरनेस के लिए होता है। जबकि इनका मेन उद्देश्य उस पर्टिकुलर स्पेसीज, या तो वो जानवर की होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या पौधों की होगी, जबकि नेशनल पार्क में पर्टिकुलर एनिमल स्पेसीज को बचाने के लिए किया जाता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस रिवाइज किया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट आता है रेड डाटा बुक का। उससे पहले मैं बता दूं कि IUCN जैसा हमने बताया करता क्या है, एनवायरनमेंट है। इसके अलावा IUCN एक रेड डाटा बुक रिलीज करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये उन जानवरों और पेड़ पौधों की वल्नरेबिलिटी बताता है कि वो कितने या तो एक्सटिंक्शन के कगार पे, लुप्त होने के कगार पे है या नहीं, या कौन से जानवर जिनको खतरा है। तो उस हिसाब से ये कुछ इस टाइप में 7 कैटेगरी बताता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये आते हैं, जब सबसे कम जिनको खतरा है, लिस्ट कंसर्न है या नियर थ्रेटन है, तो ये इस टाइप में इनका खतरा बढ़ रहा है इससे लेफ्ट टू राइट, जो राइट लेफ्ट में मोस्ट में उनको वो लुप्त हो चुके हैं, ये दोनों लुप्त हो चुके हैं, ये लुप्त होने की कगार पे है और ये मतलब इस कैटेगरी में जाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इस रेड डाटा बुक में ये बताता है कि जो कुछ वल्नरेबल जो स्पेसीज है प्लांट्स की या एनिमल्स की, जो एक्सटेंशन होने की कगार पे है नियर फ्यूचर, तो वो क्या करता है एक कैटेगरी बना दिया उसने
310 कैटेगरी, जिसमें 310 की कैटेगरी में ये बोल रहा है कि ओनली 310 में एक ही 310 वर्ड से काम नहीं चलता, तीन कैटेगरी सब कैटेगरी होती है, वो होती है वल्नरेबल, मतलब ये जो आपको येलो इसमें दिख रहा है, उसके बाद एंडेंजर्ड EN और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये इस हिसाब से ये कम कगार पे, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, आई होप इट इज़ क्लियर। तो जो सबसे लीस्ट कंसर्न है वो यहाँ पे रहेगा, फिर वो उस नियर 310 जो मतलब इस कैटेगरी में आने वाला है यहाँ पे है, और वल्नरेबल है जो वो इस कैटेगरी में यहाँ पे रखा जाएगा, एंडेंजर्ड को यहाँ पे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड को यहाँ पे, और जो ऑलरेडी एक्सटिंच हो चुका है वाइल्ड में, वाइल्ड में मतलब इन दोनों के बीच के अंतर है, देखिए वाइल्ड में मतलब जो जहाँ पे उसको होना चाहिए जंगल में वो एक्चुअली लुप्त हो चुका है। देखिए टाइगर मान के चलिए जंगल में लुप्त हो चुका है, लेकिन कुछ रिजर्व्स में, टाइगर रिजर्व्स में उसको रखा गया है, ठीक है, वो है ऑलरेडी, हमने उसको कुछ जगह पे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन वो जहाँ पे जंगल में वो चीज़ नहीं मिलती। और लेकिन उसके बाद सबसे लास्ट में आता है एक्सटिंक्ट, मतलब वो हर जगह पे लुप्त हो चुका है, उसको कहीं पे भी नहीं रखा गया। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो IUCN एक रेड डाटा बुक में ये चीज़ें मेंटेन करता है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया। उसके बाद लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखिए कुछ होता है इन तीनों में। बायोस्फीयर रिजर्व्स में सबसे ज़्यादा सबसे कम रिस्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा आपने देखा नेशनल पार्क में ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद इंडिया में की बात करें तो 441 आज के टाइम में एनिमल सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 102 नेशनल पार्क्स है, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। रेड डाटा बुक का जैसे मैंने बताया सोर्स बुक है, विच कैप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ऐसा स्रोत बुक है जो लुप्त प्राय जानवर और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। मैंने बताया बुक में NCERT में लिखा गया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करती है, नाम नहीं बताया गया, तो मैं बता रहा हूँ IUCN इसको मेंटेन करती है, ठीक है। ये उन जानवर का भी रखती है जो भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज माइग्रेशन, प्रवास क्या है। तो देखिए जो प्रवासी पक्षी होते हैं, पक्षियों की बात इसमें की गई है, बर्ड्स कब माइग्रेट करते हैं, तो बर्ड माइग्रेट करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण। देखिए क्या होता है, आपको कुछ ऐसे अपने विंटर में आपको मिल जाएंगे नॉर्थ साइड में मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ साइड से हूँ तो मुझे ज़्यादा वहाँ का पता है। नॉर्थ साइड में क्या होता है कि विंटर के टाइम में कुछ आपको ऐसे पक्षी दिखाई देते हैं जो कि नॉर्मली आपको गर्मी के टाइम में नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, मान के चलिए एक अफ्रीका का एक पक्षी है, अफ्रीका ब्रीड है, वो अफ्रीका में ही मिलता है, लेकिन वो विंटर में आपको इंडिया में दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम में अफ्रीका में ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, और ये क्या कई लाखों किलोमीटर उड़ के समुंदर के रास्ते कहीं से भी ये इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है अफ्रीका में अभी गर्मी है और इंडिया में यहाँ पे सर्दी है। तो जब ये यहाँ पे कुछ टाइम बिताते हैं, जब वहाँ पे इनको पता है कि वहाँ पे वापस सर्दी हो गई होगी, मतलब टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो गया होगा, तो ये वापस उड़ के वहाँ चले जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला गया माइग्रेशन, प्रवास। और ये क्यों होता है? जलवायु परिवर्तन के कारण। अब कॉन्सेप्ट आता है रिसाइकिलिंग ऑफ पेपर। तो आपको पता है कागज़ का पुनर्चक्रण, इसको हिंदी में बोलते हैं, कागज़ जो बनता है वुड पल्प से, मतलब लकड़ी से बनता है, और लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी आती है पेड़ों से, ठीक है। तो हम जैसे लेसन का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स हमें मेन बात यह है कि क्यों इसका रिसाइकिलिंग करना चाहिए, पेपर का पुनर्चक्रण क्यों करना चाहिए, क्योंकि पौधों को बचाना है, पेड़ों को बचाना है। क्यों? क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जो नेचर ने बनाई, एक प्राकृतिक मशीन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हमें हानिकारक CO2 को O2 में प्रदान करती है, जीवनदायी O2 में, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कागज़ का बर्बादी रोकनी चाहिए, तो हमें ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया आज तक हम बता दे जाते हैं, रीड्यूज़ कीजिए, पेपर का यूज़ कम कीजिए, उनको बार बार यूज़ कीजिए। देखिए आप रिसाइकिल कीजिए, रिसाइकिल क्या होता है, आप देखिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसको फेंक दिया ऐसे ही, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ज़मीन में ऐसे ही गल जाएगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसका कोई दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। इसकी बजाय आप क्या कीजिए, चाहे फ्री में रद्दी वाले को दे दीजिए, 1-2 रुपये पर केजी जो भी देता है उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन रद्दी वाले को दे दीजिए। वो क्या करता है, वो जाके उन अखबार की कंपनियों की एजेंसी को भेज देता है जो कि बाद में उसको रीप्रिंट करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए आप एक नया पेपर बनाते हो, आपको पेड़ काटना पड़ेगा, जबकि एक बना बनाया पेपर है उसको रीप्रिंट कर देते हैं आप न्यूज़पेपर को, तो वो एक पेड़ ये कम कटेगा, आप ये चीज़ सोच के चलिए दिमाग में, तो वो आप रीप्रिंट कर देगा नेक्स्ट डे उसी पेपर से, तो उससे क्या होगा, हमें रिकवरी हो गई, हमने एक पेड़ को बचा लिया। तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रखिए और पेपर का यूज़ कम से कम कीजिए। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट रिफॉरेस्टेशन का, पुनर्वनरोपण जिसको हिंदी में बोलते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है, तो पेड़ों का काटना किसी भी वजह से होता है डिफॉरेस्टेशन, वन उन्मूलन, जबकि ये उसका जस्ट अपोजिट है। मतलब क्या होता है इसमें, जहाँ पे हम पेड़ काट रहे थे यहाँ पे वापस कटे हुए पेड़ों की जगह पे नए पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप एक पिक से समझ सकते हैं, 2001 में एक जगह की फोटो ली गई है, 2019 में वहाँ पे और ज़्यादा पेड़ लग गए हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है डिफॉरेस्टेशन का। आई होप
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें।